नमस्कार YouTube चैनल एन इन योर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओपन हर्थ प्रोसेस के बारे में। यह एक स्टील मेकिंग प्रोसेस है। अमेरिका और ब्रिटेन में स्टील बनाने की यह प्रोसेस सबसे उपयुक्त है। 20वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में इसी प्रोसेस का प्रयोग करके स्टील बनाया गया था। ओपन हर्थ प्रोसेस उन प्रोसेसेस में से एक है जिसमें मोल्टन पिग आयरन से कार्बन और दूसरी इम्प्योरिटीज को रिमूव करके स्टील को बनाया जाता है। और स्टील कार्बन और आयरन का अलॉय है। और इस प्रोसेस से पहले स्टील की मास प्रोडक्शन बेसेमर प्रोसेस से की जाती थी, जिसके इन्वेंटर सर हेनरी बेसेमर थे। और उस समय बेसेमर प्रोसेस दुनिया की पहली इनएक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल प्रोसेस थी, जिसमें स्टील की मास प्रोडक्शन की जाती थी पिघले हुए पिग आयरन से और ओपन हर्थ फर्नेस की डेवलपमेंट से पहले तक। और बेसेमर प्रोसेस का मुख्य सिद्धांत था हवा की मदद से आयरन पर ऑक्सीडेशन करके इम्प्योरिटीज को अलग करना या रिमूव करना। और ऑक्सीडेशन से पिग आयरन का तापमान बढ़ता है, जिससे वह मोल्टन स्टेट में आ जाता है। और बेसेमर प्रोसेस दो प्रकार से की जाती थी, एसिड बेसेमर प्रोसेस और बेसिक बेसेमर प्रोसेस। और इस प्रोसेस के बाद जो इजाद हुई थी वह थी ओपन हर्थ प्रोसेस। ओपन हर्थ प्रोसेस की जो इन्वेंशन है वह कार्ल विलियम सीमंस, जो जर्मनी में पैदा हुए थे और इंग्लैंड में रहते थे, इन्होंने इसको डेवलप किया था। कह सकते हैं कि सीमंस को इसका श्रेय जाता है। लेकिन वर्ष 1865 में फ्रांस के इंजीनियर पीरे इमाइल मार्टिन ने सीमंस से इस प्रोसेस का लाइसेंस ले लिया और फिर स्टील को बनाने के लिए रीजनरेटिव फर्नेस को बनाया, जिसमें कंबस्चन से पहले रीजनरेटर की मदद से हवा को पहले ही गर्म कर लिया जाता था। और कह सकते हैं कि हवा को पहले ही रीहीट करना संभव था। और इन दोनों के नाम पर ही ओपन हर्थ प्रोसेस को सीमंस मार्टिन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रोसेस में प्रयोग होने वाली फर्नेस को ओपन हर्थ फर्नेस कहते हैं। लेकिन दुनिया में ज़्यादातर ओपन हर्थ फर्नेस 1990 के दशक के शुरुआत में ही बंद हो गई थी। उसका कारण यह नहीं था कि इसका स्लो ऑपरेशन होता था। स्टील मैन्युफैक्चरिंग का कारण यह था कि इस फर्नेस का बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस ने इसको रिप्लेस कर दिया था, जिसे वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के नाम से जाना जाता है। बेसेमर प्रोसेस की तरह ही ओपन हर्थ प्रोसेस भी दो प्रकार की होती है, जिसमें एसिड लाइंड फर्नेस और बेसिक लाइंड फर्नेस। किस टाइप की फर्नेस का प्रयोग करना है या स्टील बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल का प्रयोग करेंगे उसकी कंपोजिशन पर निर्भर करता है। अगर रॉ मटेरियल में फास्फोरस और सल्फर की मात्रा कम है, फिर एसिड लाइंड फर्नेस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस टाइप की प्रोसेस में फास्फोरस और सल्फर रिमूव नहीं होते। बेसिक लाइंड फर्नेस का प्रयोग करेंगे जब रॉ मटेरियल में फास्फोरस और सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। और इस टाइप की प्रोसेस में फास्फोरस और सल्फर के रूप में विद्यमान अशुद्धियों या इम्प्योरिटीज को रिमूव करना संभव होता है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस में प्रयोग होने वाली फर्नेस की। इस प्रोसेस में स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए सीमंस रीजनरेटिव फर्नेस का प्रयोग, जिसका नाम इसके इन्वेंटर के नाम पर ही रखा गया है। एसिडिक ओपन हर्थ प्रोसेस, इसमें जो हर्थ होती है उसमें जो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है वह सिलिका सैंड की बनी होती है। अगर बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस है तो उसमें हर्थ डोलामाइट, जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है, उससे उसकी लाइनिंग की जाती है। जो डोलामाइट का अगर फॉर्मूले की बात करें वो CaCO3 और MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम
कार्बोनेट। वैसे तो फर्नेंस का जो बेड है वह एसिडिक होता है और पिग आयरन में सिलिका मौजूद है, उस समय बेसिक बेड का प्रयोग करते हैं। अगर फर्नेंस की लंबाई की बात करें, फर्नेंस की जो लंबाई है वह 10 से 25 मीटर होती है। इसकी जो लंबाई है 10 से 25 मीटर होती है, चौड़ाई इसकी 4 से 5 मीटर होती है और गहराई तकरीबन आधा मीटर के आसपास होती है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस में वर्किंग किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि फर्नेंस में कोई डैमेज तो नहीं है, अगर है तो उसे ठीक करके फर्नेंस को रेडी कर लिया जाता है। उसके बाद फ्यूल गैस, जो नेचुरल गैस या एटोमाइज्ड हैवी ऑयल को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद फ्यूल गैस और एयर हवा को कम्बशन चैम्बर में भेजा जाता है, और वहाँ पर भेजने से पहले इसको गर्म कर लिया जाता है रिफ्रैक्टरी चैम्बर में। अगर हम देखें इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ रीजनरेटर चैम्बर्स हैं। इधर इसको चेकर ब्रिक्स कहते हैं, इधर रीजनरेटिव चैम्बर कहते हैं। तो जैसे ही हवा यहाँ से एंटर करेगी और फ्यूल गैस यहाँ से एंटर करेगा, तो इसको पहले ही प्री हीट कर लिया जाता है, और प्री हीट करने के बाद इसको फिर जो मेन फर्नेस है वहाँ पर भेजा जाता है। तो पहले भट्टी को लाइट मेटल स्क्रैप सीट या वेस्ट मेटल से चार्ज करते हैं, उसके बाद भट्टी को बर्निंग गैस से गर्म करते हैं जब चार्ज मेल्ट हो जाता है। ओपन हर्थ प्रोसेस को ब्लास्ट फर्नेंस से मिलने वाले मोल्टन आयरन से चार्ज किया जाता है इस चार्जिंग डोर के माध्यम से। मोल्टन आयर को इन कंटेनर या ट्रोलीज की मदद से फर्नेंस के चार्जिंग, जो फर्नेंस की कम्बस्टन फर्नेंस है वहाँ पर इसको भेजा जाता है, और उसके बाद इसको फिर रीहीट किया, इसको गर्म कर लिया जाता है, इसको पिघला लिया जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, जब यहाँ से फ्यूल गैस और एयर जाती हैं तो उसको कम्बस्टन चैम्बर में भेजने से पहले यहाँ एक अलग अरेंजमेंट होती है, एक बर्नर लगा होता है दोनों तरफ में, बर्नर एक और बर्नर दो। तो पहली कंडीशन जब ये होती है कि बर्नर एक एक्टिव होता है, बर्नर जो टू है वह ऑफ कंडीशन में होता है, तो उस बर्नर की मदद से भी इसको फिर से गर्म करके यहाँ पर भेजा जाता है, जिससे हमारा चार्ज मेल्ट हो जाता है। और इस फर्नेंस की जो क्षमता है वो 600 टन के करीब होती है, जिसे ग्रुप्स में इंस्टॉल किया जाता है। हीटिंग फ्यूल को बर्न करके की जाती है जो बर्नर के थ्रू आती है। एक समय में एक बर्नर एक्टिव रहता है, और शुरुआत में कह सकते हैं कि जो बर्नर एक है वह एक्टिव होता है, जबकि जो बर्नर दो है वह ऑफ कंडीशन में होता है। फ्लेम या फिर गर्म गैस जो फ्यूल के कम्बशन से मिलती है वह यहाँ पर मौजूद चार्ज को पिघला देती है, और फिर हर्थ से होती हुई इस सिरे से की तरफ जाती है। और इस दौरान जब हॉट गैसेस चेकर ब्रिक से गुजरती हैं या चेकर चैम्बर से होकर गुजरती हैं, तो वह इसको भी गर्म कर देती हैं, और कुछ समय के बाद इस पूरी प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाता है। मतलब कि बर्नर एक को बंद कर दिया जाता है, बर्नर दो को ऑन कर दिया जाता है, हवा की डायरेक्शन को इस तरफ मोड़ दिया जाता है और फ्यूल गैस की डायरेक्शन को भी इस तरफ मोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होगा कि फिर से यही प्रोसेस होगी, बर्नर दो से फिर से उसको फ्यूल गैस और उसको गर्म करके फिर से कम्बशन चैम्बर में भेजा जाएगा जहाँ चार्ज मेल्ट होगा। उसके बाद फिर उन एग्जॉस्ट गैसेस को रीजनरेटर चैम्बर से भेजा जाएगा, अगेन फिर प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस, यह प्रोसेस बार बार ऐसे ही चलती रहती है। इस प्रकार बारी बारी से दोनों चेकर चैम्बर को गर्म किया जाता है फ्लेम और हॉट गैसेस की मदद से। कार्बन और दूसरी इम्प्योरिटीज़ हेमेटाइट जो ओर होता है के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और इस प्रोसेस में कुछ रिएक्शन होती हैं वो हम देख लेते हैं। कि जो कार्बन है वह जब हेमेटाइट Fe2O3 के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोक्साइड बनता है, ऐसे ही जो सल्फ़र होता है जब हेमेटाइट के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ़र ऑक्साइड बनता है। और इस प्रकार कार्बन मोनोक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड गैस के रूप में बाहर चले जाते हैं। उसके बाद फास्फोरस और जो सिलिकॉन मौजूद होते हैं, फास्फोरस रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है,
सिलिकॉन हेमेटाइट के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका बनाता है, और उसके बाद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम फास्फेट बनता है, और सिलिका या सिलिकॉन ऑक्साइड जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सिलिकेट दोनों ये स्लैग के रूप में बन जाते हैं। और मैंगनीज जब हेमेटाइट के साथ रिएक्ट करता है तो मैंगनीज ऑक्साइड बनाता है, और मैंगनीज ऑक्साइड सिलिका ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज सिलिकेट बनाता है, और वह भी इस प्रकार से स्लैग बन जाता है। कार्बन की मौजूदगी को समय समय पर चेक भी किया जाता है ताकि ज़रूरत के अनुसार कार्बन को हम अलग से ऐड कर सकें, क्योंकि इसके लिए एक अलग से एक मिरर की अरेंजमेंट होती है, और ताकि हम दूसरे अलोइंग एलिमेंट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। और वर्तमान समय में 80% स्टील को ओपन हर्थ प्रोसेस के माध्यम से तैयार किया जाता है। जो स्टील एसिड ओपन हर्थ प्रोसेस से तैयार किया जाता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और जो स्टील बेसिक हर्थ प्रोसेस से मिलता है उसके कंपैरिजन में, और इस प्रोसेस का कंप्लीट साइकिल ऑपरेशन 5 से 10 घंटों का होता है, और इसकी फर्नेंस की क्वालिटी 200 से 700 टन पर चार्ज की होती है, लेकिन ज़्यादातर फर्नेंस 250 से 500 टन पर चार्ज की कैपेसिटी की प्रयोग की जाती हैं। इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इसमें मिलने वाले जो स्टील है उसकी कंपोजिशन पर पूरा नियंत्रण रहता है, मतलब यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनता है। टेम्परेचर कंट्रोल पर भी पूरा कंट्रोल रहता है, और इस प्रोसेस से मिलने वाले स्टील की क्वालिटी बेसेमर प्रोसेस से मिलने वाले स्टील से अच्छी होती है, और इसकी ऑक्सीडाइजेशन पर कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता। हेमेटाइट व आयरन के स्क्रैप को डायरेक्टली स्टील में बदल सकते हैं। इतनी सारी एडवांटेज के बाद इसकी कुछ खामियां भी हैं, मतलब कि डिसएडवांटेज। इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और इसका कंप्लीट ऑपरेशन साइकिल जो 8 से 10 घंटे का है वह भी ज़्यादा है अगर इसको बेसेमर प्रोसेस से कंपेयर करें। बेसेमर प्रोसेस में ऑपरेशन साइकिल 10 से 20 मिनट का होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया ओपन हर्थ प्रोसेस की हिस्ट्री के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, और उसकी वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।